लग गए। हमको हर औरत जाते हुए अच्छा लगता है, आते हुए नहीं। तुम चाहते क्या हो? अभी सबके सामने क्या चाहे? बहन तुझे पता है कल रात को तू कितने नशे में थी? घंटा मुझे नशा चढ़ता ही नहीं है। तुझे पता है कल रात को तू अपना फोन ढूंढ रही थी? तो उसमें क्या बड़ी बात हो गई? तू अपने ही फोन की फ्लैशलाइट से अपना फोन ढूंढ रही थी। तेरे बारे में ना सोचूं ऐसी रात नहीं है, पर तू तोड़े दिल मेरा तेरी औकात नहीं। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। मामा की शादी, मजा आ गया, खाना खा लिया, मामी मिल गई, घर पे जाएंगे, स्वागत मनाएंगे। पापा अपने मम्मा से शादी क्यों करी? क्योंकि ना मुझे तुम्हारी मम्मी के गालों पे जो काला तिल है ना, वो पसंद आ गया था। ओह कमाल है, इतनी जरा की चीज के लिए इतनी बड़ी मुसीबत ले। हेलो, कौन बोल रहे? इंसान बोल रहा हूँ। अरे कहाँ से बोल रहे? मुंह से बोल रहा हूँ। अरे किधर फोन लगाया? कान पे लगाया। जिस्म मेरा है तो कपड़े भी मेरे होंगे, गलतियां मेरी हैं तो फैसले भी मेरे होंगे। अपना काम छोड़कर मेरे कपड़ों पे कमेंट करने वाले, तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले? झोपड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाल बटन दिया मोबाइल में, काट दे, काट दे, काट दिया। नहीं काट, मंदिर में क्या होता है? घंटा, घंटा काटा है, काट दे। आप नोट को अंदर मत डालिएगा, खाली इसको रख देना है, वो अपने पैक हो जाएगा, आपको पैक नहीं करना है। देखिए जरा भाई, नोट निकालेंगे चाय पानी नाश्ते, नोट अगर बच गया तुरंत देने का, कहीं चली आएगी वही नाश्ते निकाले, 10 अलग हो जाएगा, 50 अलग हो जाएगा अपने। मैं 10 का नोट 50 में डालूंगा, नहीं जाएगी 10 में जाएगी। दोस्तवा दोस्तवा को भूल जाता है, भाई साहब 20 का नोट दिए हैं, वो 10 में जाएगी। फोटो रहेगा, एटीएम कार्ड रहेगा, सही छोटा होगा। अरे ओ अनपढ़ लुगाई, मैं कोई अनपढ़ अनपढ़ नहीं, समझ गए ना? चल तू अनपढ़ नहीं है तो मेरे सवाल का जवाब देगी? हाँ पूछो। रावण के कितने सर थे? 10। 10 सर थे। अच्छा ये बता, जीरो का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट ने। ठीक है, तुम मुझे ये बता, जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने 476 ईस्वी में किया था, तो रावण के सर उस वक्त क्या तेरे बाप ने गिने थे? दादाजी ये बच्चा कैसे होता है? वो आसमान से एक परी आती है, हाँ। और नीचे छोड़कर चली जाती है। तका सुहागरात वाला सिस्टम खत्म हो गया। और जनाब क्या चल रहा है? जनाब हिंदुस्तान में तो मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढिमका, एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भारे को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था। पगली पगली, कभी तूने सोचा रास्ते में गए मिल क्यों? पगले पगले, तेरी बातों बातों में धड़कता है दिल। सानू की आवाज में ओ लड़की की दीवानी लगे। पापा जी बाबा, परियों की रानी लगे। पापा जी बाबा।
जिसे इतना टूट के प्यार किया हो उसे बुलाना आसान नहीं होता। बुला पाते हैं क्या हम कभी, या झूठ कह देते हैं खुद से कि बुला दिया। सच्ची कहानी अगर पसंद आए तो प्लीज एक लाइक एक शेयर करना ना भूले। एक 14 साल का बच्चा एक सड़क से गुजर रहा था, तभी उसने देखा एक फोटो पड़ा हुआ था। वो फोटो को उठाया और उसे निहारने लगा। बड़े ही खूबसूरत से एक लड़की का फोटो था। वो उस फोटो को इधर उधर देख के अपनी जेब में रखा और अपने घर चला गया। उसे भी पता ना चला कब वो इतना बड़ा हो गया, उस लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा। उसे पागलों की तरह ढूंढा पर वो लड़की ना मिली। पेरेंट्स के बहुत कहने पे उसने शादी कर ली। एक दिन उसकी बीवी पूरे घर की सफाई कर अगर तुमने मेरी पहेली का जवाब दिया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। चलो ठीक है। मसल मसल के खड़ा किया, थूक लगाकर डाल दिया। सुई धागा यार। भैंचो तेरी सोच ही छोटी है, तू ना नल्ला ही मरेगा। लड़के कभी सॉरी बोलने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि उनके लिए उनकी ईगो से ज्यादा इम्पोर्टेंट रिश्ते होते हैं। और अगर यही बात लड़कियों की समझ में आ जाए ना, तो दुनिया कब की सुधर जाती है ना। सुहाग रात को दूल्हा दुल्हन की आंख पर किस करते हुए बोला कि आंखें मोहब्बत की किताब होती हैं। दुल्हन बोली, तुम किताबों में उलझे रहना, नीचे लाइब्रेरी में आग लगी हुई है। मौसम और ये दूरी, पल पल है तड़पा।